तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि मैं सबको बिठा के आपको बताऊंगा कि हमारे जो छोटा सा फॉक्सी था उसका नाम हमने फॉक्सी ही रखा था। उससे पहले भी हमारे पास एक डॉग था जिसको हमने बचाया था, जिसकी टांग मतलब टूट गई थी पीछे वाली, और वो आपने वीडियो देखी होंगी, पहले बहुत सारी वीडियो डली हुई है उसकी। एक छोटा फॉक्सी, उसके बाद हम एक जूनियर फॉक्सी नाम था उसका, जो हम लेके आए थे, वो अमेरिकन बुली। वो आप फोटोज देख रहे होंगे साइडों में, अभी नहीं आ रही होगी तो पहले आ जाएगी। वो इतना प्यारा था, इतना प्यारा था। मम्मी और आप बताओ, आपका कैसा एक्सपीरियंस था उसके साथ? बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा बच्चा था। थोड़ी जोर से बोलो। और उसकी वो वीडियो भी दिखाना जो हमने बनाई हुई है, बेड पर कितने अच्छे ढंग से बच्चे की तरह सोना। मैं वो फोटो वीडियो शो से वो लेके आए थे पिल्लो, आज भी हमने संभाल रख रखा। थोर भी खेलता उससे, बिल्कुल ही प्यारा, इतना सा पप्पी था वो, इतना। आज भी मेरे पास चल जाओ, चला जा। आज बिट्टू तो फिर पापा आप बताओ कैसा एक्सपीरियंस था आपको उसके साथ? उसका एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त था। उसकी एक कमाल की बात थी, वो सिर्फ कितने 48 दिन का था या 50 दिन का था? हाँ, लेके तो 30 दिन का आया। रचित लेके आया हमसे। मैं एक बार बता दूं, हमसे सबसे बड़ी गलती, मैं मान रहा हूँ सबसे मतलब गलती मानने वाले बड़ा होता है, मान लेनी चाहिए कि हमसे ये गलती होगी कि वो 30 डेज का हम ले आए थे और इतनी नॉलेज हमें भी नहीं थी। दूसरी बात, जिससे लेके आया उसने भी गाइड बिल्कुल नहीं करा, पर मैं उसकी कमी भी नहीं निकाल रहा। पर ये है कि इसमें मेरी कमी थी कि मेरे को पता नहीं था, गाइड मैंने गाइडेंस अच्छी ली नहीं, पर उसकी ये भी कमी थी कि उसने मुझे इतना छोटा डॉग दे दिया। उसके बाद पापा मतलब बात यह है कि जैसे उसने 30 दिन का दे दिया तो उसका काम था ये, उसको पता है और अच्छी उसमें है वो इस फील्ड में काफी टाइम से, तो वो हमें बता सकता था कि आप 30 दिन का ले लो, बुक कर लो, पेमेंट दे दो, लेकिन आपको मैं डिलीवरी 60 दिन के बाद दूंगा। हमने इसके साथ भी यही किया था, थोर के साथ। हमने 30 दिन का ले लिया था, लेकिन 60 दिन के बाद हम लेके आए थे। सिर्फ और सिर्फ उसी जो हमारे साथ इंसिडेंट हुआ था उसकी, उसके बाद हमें यह लगा कि अब आप दोबारा ये रिस्क नहीं लेंगे। 60 दिन के बाद उसको लेके आए और उसके साथ क्या हुआ कि वो बड़ा प्यारा था, बहुत बिल्कुल मतलब एक टॉय था बिल्कुल। कमाल की बात उसकी ये थी कि जब वो जब भी आता था मतलब हमारे पास रहता था, लेकिन जब वो बीमार हुआ तब उसने क्या इतनी समझदारी दिखाई, मतलब मैं हैरान हूँ और अभी तक वो चीजें मेरे याद है। जब उसको लूज मोशन शुरू हो गई उसको वॉमिटिंग बाद में हुई थी, पहले लूज मोशन हो गए, और जैसे ही उसको लूज मोशन करना वो ही एकदम से नीचे जाए, और नीचे जाके मतलब हमने गद्दे पे ही रख रखा था उसको, और मैं उसके पास बैठा था। लूज मोशन करके आए, वापिस आके मेरे पाँव मेरे गोडों में आके अपना मुंह टेक के आराम से सो जाए। मतलब वो हमारे पास कितना, 1 हफ्ता रहा था, मतलब 1 हफ्ता ही रहा था। 7-8 दिन के बाद उसको ये प्रॉब्लम होगी, और ये इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी उसको, पहले उसको टेम्परेचर हुआ, टेम्परेचर के बाद उसको खाना छोड़ दिया, उसने खाना धीरे धीरे छोड़ दिया। हमने पेट के पास लेके गए उसको, और उन्होंने अपना ट्रीटमेंट किया, हमने पूरा उसको टेस्ट भी करवाया, लेकिन तब तक वो काफी ज्यादा इन्फेक्शन फैल चुका था। उसके बाद HIU लेके गए। अच्छा, तो पापा जी जो कहना चाह रहे थे ना कि मतलब जैसे हम पापा मम्मी के बच्चे हैं छोटे छोटे, अगर हमें हम बीमार होते हैं ना तो हम पापा मम्मी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि पापा हम बीमार हो रहे हैं, हमें सुला लो पास। तो वो बेचारा बोल तो सकता नहीं था, पर वो दिखा रहा था कि मैं बीमार होया हुआ, और वो उठ के पापा के पास आके सो जाता था गोदी में यहाँ पे, और इतनी फोटो जमा लूंगे तो यहाँ पे सो जाता था। मतलब मेरे साथ भी बहुत सोता था, मतलब इतना प्यारा, इतना क्यूट छोटा सा पप्पी था वो। और जब वो पार्लू के लास्ट स्टेज पे आया ना, तो वैसे तो अपने बेड पे सोता रहता था, मम्मी उसको जैसे ही गोदी में लेते वो रोने लग जाता था, आंखों में से उसके आंसू गिरते और चू चू करके रोने लग जाता। मतलब वो दर्द दिखा रहा था कि मम्मी मेरे को दर्द हो रहा है, और बहुत मेहनत करी, लड़ा भी बहुत। वो छोटी सी जान थी ना उस, वो इतनी ड्रिप, उसको ना दिन में 2 बार ड्रिप पे लेके जाता था मैं, मतलब कि यहाँ पे HIU है ना, वहां लेके जाता था। वैसे तो ये सरकारी हॉस्पिटल है, इतनी परवाह तो कोई नहीं करता, पर इन्होंने भी बहुत मतलब मदद करी थी इसमें। एक बात और मैं ऐड करूंगा, ये एक अभी जो रिसेंटली अभी रचित ने एक वीडियो डाली है, उसमें एक बंदे एक पूछ रखा है
कि उसका भी कोई एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था कि उसके डॉगी के पार वो हो गया था और वो दूसरा डॉगी एक महीने के बाद ले आया और वो उसको भी इसी इन्फेक्शन में घेर लिया। तो हमें जिन्होंने बताया था, डॉक्टर ने भी हमें बताया था कि मिनिमम 3 महीने आप उसका गैप रखो अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो। और दूसरा, अगर उस डॉग जो भी उस पप्पी का आपने कपड़ा यूज किया या आपने उसके खिलौने यूज किए या आपने उसकी मेडिसिन यूज की है तो उसको आप एक बार वो उसको ले जाओ, मतलब वहां से बर्न कर दो और उसको ऐसे फेंको भी मत बाहर, उसको बर्न जला दो ताकि और स्ट्रीट डॉग्स को ना हो। इसको मैं बताता हूँ क्या प्रोसेस होता है उसका, पर उससे पहले ये बता देता हूँ पार्वो वायरस के बारे में हम क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि कई मेरे अच्छे एल्डर यूट्यूबर्स हैं जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं इस फील्ड में, उन्होंने भी वीडियो बनाई है और अभी रिसेंटली साउथ की साइड भी बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं पार्वो वायरस के। और वो केसेस यूं नहीं है कि छोटे बच्चों में बढ़ रहे हैं, वो सारे अडल्ट डॉग्स में बढ़ रहे हैं। और उनकी पार्वो वायरस में जो मोर्टिलिटी रेट होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत कम चांसेस है कि आपका डॉग बचेगा। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा आप लोग ध्यान दो। मैं पहले बताता हूँ किस वजह से पार्वो वायरस हो जाता है। अगर कोई डॉग इन्फेक्टेड है वो उसके फीकल मटेरियल से अगर कॉन्टेक्ट में आएगा दूसरे डॉग के तो वो उससे, मतलब वायरस है तो वो उसके अटैक हो जाएगा। जैसे कि अगर उसने उल्टी करी या उसने पोटी करी, जैसे लूज स्टूल हो जाता है, दस्त बोलते हैं अपनी देशी भाषा में, दस्त हो जाता है तो वो बाहर कर देते हैं। स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, अपना डॉग अब जैसे थोर को अपन घुमाने लेके जाते हैं बाहर तो ये चलते हैं, इनके पैरों में लग जाए उल्टी या वो पोटी है वो पैरों में लग जाए या ये गलती से सूंघ ले तो वो सूंघते ही इनके अंदर चला जाएगा वो वायरस। तो इस चीज से हमें ध्यान देना है, हमें गंदी जगहों पे घुमाने नहीं लेके जाना, उसको साफ जगह पे घुमाने लेके जाओ, कोई चीज ना उठाने दो। तो ये चीजें ध्यान दो। दूसरी, आप अपने जूतों को साफ करके आया करो घर के अंदर। अगर छोटे बच्चे आपके घर में, छोटे डॉग्स है तो फिर आप बहुत ज्यादा जरूरी है कि बाहर के जूते बाहर रखो, अंदर के जूते अलग रखो, है ना। थोड़ा ध्यान रखो इस चीज का। एक चीज और हाँ, एक पापा, जब हम फोक्सी की हमारे की डेथ हो गई थी उसके बाद फिर हमने मतलब कोशिश, पहले तो कहाँ डॉग लेके आना था, मतलब हम उसके इतने शौक में थे, पर फिर हमने देखा कि भाई चल थोड़ लेके आऊंगा मैं। तो उसके बाद मैं ये बताना पापा भूल गए, सारे वेट या डॉक्टर ये रेकमेंड करते हैं, पहली बात तो वो कहते हैं कि 30 से 45 दिन बाद आप लेके आ सकते हो, कई कहते हैं 3 महीने बाद, कई कहते हैं 6 महीने के बाद, कई कहते हैं साल भर भी वो पार्वो वायरस मरता नहीं है घर में। ये अलग ये सच्चाई है ये। हाँ। उसका मैं देते हुए एग्जाम्पल, उसके फॉक्स के हम टोआई का सेट लेके आए थे 3 का, और एक टोआई जो है ना वो उसका कैसे रह गया कि जो नीचे जो सामान हम ऊपर अलमारी में रखा था वो टोआई आगे आगे नीचे आंटी सफाई कर ली थी, तो वो टॉय मैंने वॉश करके थोर को दे दिया और थोर ने उसको तोड़ दिया। पता नहीं, तो वो वैसे अचानक ऐसा कुछ होना था कि क्या था कि इसके लूज मोशन हो गए। नहीं, अगर हमें डर के हुई, कहीं हम के डरे हुए थे पहले। डर तो नहीं इतना ज्यादा था ना, वो तो पर थोर सेफ क्यों है, क्योंकि इसको वैक्सीनेशन पूरी लगी है। और दूसरी बात क्यों नहीं कि एक बार वैक्सीनेशन लगा के छोड़ दी, अभी भी पापा ने इसकी रेबीज की भी अभी लगी है एक और डोज, और इसकी भी एक और पारो वायरस वगैरह जितनी भी बीमारी, 7 बीमारियों पापा बताएंगे, लगवाई थी मैंने इसकी 7 बीमारियों का है ये, 4 जनवरी को और दूसरा अभी इसका कम्प्लीट हो गया जो सेकेंड डोज थी रेबीज की, अब इसकी कंप्लीट हो गई। अब इसका नेक्स्ट जो वैक्सीनेशन है 2022 में है, मार्च अप्रैल 2022। तो इन चीजों का ध्यान रखो। और दूसरी बात, जब हम लेके आए थे ना तो उससे पहले मैंने और मानू ने इतनी मेहनत करी थी, मतलब कि हम पहले ब्लीच पाउडर, वो ब्लीचिंग पाउडर लाए थे, उससे पूरे घर के एक एक चीज को हमने मतलब छिड़क दिया था। 2 बोतल इतनी बड़ी बड़ी सैनिटाइजर की हमने खत्म कर दी। पापा ने हमें डांट भी मारी थी, पर हमारे मतलब मन में संतुष्टि नहीं हो रही थी कि भाई एक कोना भी ना बच जाए। पूरा घर डेटॉल से साफ करा, ब्लीचिंग पाउडर से साफ करा, पूरा घर में सैनिटाइजर। जैसे कोई भी ये छोटा पप्पी लेके आते हो, थोड़े जोर से, छोटा पप्पी जब लेके आते हो ना तो कम से कम आप कोशिश करो, रचित ने भी आपको बताया था कि 3 महीने तक उसको आप घर से बाहर मत निकालो, जब तक वैक्सीनेशन नहीं होती, मतलब 3 महीने में, हाँ, 3 महीने में हो जाती है। तो 3 महीने तक आप इस चीज का ख्याल रखो, आप उन्हें बैक यार्ड में या फिर ऊपर छत पे आप फ्रेश करवा सकते हो। दूसरा बस यही है कि जैसे छोटे बच्चे हैं, कोई भी अगर आप वुमन का भी लेते हैं, न्यूबॉर्न बेबी है, उसको आप टच नहीं करते, डॉक्टर कहते कि ना उसको इन्फेक्शन हो जाए। सेम केस है ऐसा ही, वैसे इसको थोड़ा सा आप इसको भी आप
अपने इस चीज को केयरफुल रख के सारी चीजें कर लेंगे तो आप प्रॉपर इस चीज से बच सकते हैं। जैसे दूसरे बच्चे, जैसे आप छोटा डॉग लेके आओगे, हमसे भी ये गलती हुई, हम फॉक्सी लाए थे ना, तो और लोगों ने कहा कि दिखाओ दिखाओ, तो सबने हाथ लगाया उसको, सब अंदर आए। देख हमें इतना पता था पार्वो वायरस होता है, पर यूं नहीं पता था यार कि वो इतना सीवियर कंडीशन होती है कि वो इतनी छोटी सी नन्ही सी जान की डेथ हो जाएगी। पर इसमें देखो मैं 100% हमारी कमी मानता हूँ, पर मैं ये कमी भी है कि भाई मैं उनका नाम नहीं लूंगा, पर उनको पता चल जाएगा, उनको भी आगे पता चल जाएगा और वो भी ध्यान रखेंगे कि भाई 30 डेज से नीचे का बच्चा ना तो आप बेचो, और अगर कोई बच्चा जिसको नॉलेज नहीं है वो लेने आ रहा है तो उसको दे भी मत। रीजन ये था कि जब उन्होंने हमारे को ये बताया था कि क्यों नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि जब छोटा बच्चा है तो ये प्रॉपर अपनी माँ का दूध पिएगा 45 दिन तक। अगर आप प्रॉपर अपनी माँ का दूध पिएगा तो ये अंदर से स्ट्रांग हो जाएगा, और सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि 45 से 48 दिन तक माँ का दूध पीता है छोटा बच्चा, उसकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी और उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, तो आप 60 दिन का आप ले सकते हैं उसको। हाँ, क्योंकि इम्यूनिटी उसकी बूस्ट हो जाएगी, 45 डेज पे उसका पहला इंजेक्शन लग लीजिएगा तो वो थोड़ी और बूस्ट हो जाएगी, तो वो उसमें इतनी जान हो जाएगी कि वो फाइट कर सके, क्योंकि वायरस की ना कोई दुआई नहीं होती, पार्वो वायरस के अपने पास कोई दुआई नहीं है। कोई कहेगा नहीं मेरे पास दुआई है पार्वो, अभी तक तो है नहीं, इंडिया में तो है नहीं। पता क्या होता है, वो वैक्सीन करते हैं, वैक्सीनेशन देते हैं, ताकि अगर पार्वो वायरस, हमारा एक इलाज है वैक्सीनेशन, और अगर किसी के पार्वो वायरस हो जाता है तो यूं मतलब नहीं है कि उसका इलाज नहीं है, उसके जो सेकेंडरी फैक्टर्स होते हैं उसका इलाज होता है। हम उसको ड्रिप पे रखते हैं, मुंह से नहीं खिलाते, क्योंकि पार्वो वायरस में क्या होता है, वो अटैक करता है आपके डॉग की जो फूड पाइप है और जो इंटेस्टाइन है, मतलब आपका बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम को अटैक करता है वो अंदर से, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, जख्म को क्या कहते हैं, जख्मी कर देता है अंदर से फूड पाइप को, छाले हो जाते हैं। मतलब जख्मी हो जाता है, अगर कोई डॉग मुंह से खाएगा तो खाया नहीं जाएगा, जब अंदर से उसकी फूड पाइप अंदर से जमे तभी वो उल्टी कर देता है, और अगर आप खाना दोगे तो वो पोटी करते हैं तो उसमें भी खून आता है, इसलिए आता है क्योंकि अंदर जख्म होया होता है। इस चीज का सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आप, आपको पहली बात तो पहला फैक्टर है आपके डॉग के अंदर थोड़ा सा बुखार लगेगा आपको, पहला बिल्कुल पहला फैक्टर, हल्का फुल्का बुखार लगेगा, उसके बाद वो खाना छोड़ देगा, उसके बाद वो खाना छोड़ेगा, उसके बाद अगर आप खाना खिलाओगे धक्के से तो वो उल्टी करेगा और वो ढीला हो जाएगा, मतलब पोटी में स्मेल आएगी, और पोटी में स्मेल आएगी, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। पोटी में स्मेल आएगी और ऐसी गंदी स्मेल आएगी, आपको अलग से पता चलेगा कि नहीं ये नॉर्मल नहीं है। अगर आप इस पे इस टाइम ध्यान दे लोगे उस स्टेज में, तो आप उसको ड्रॉप, मतलब ड्रिप वगैरह होती है, एंटीबायोटिक्स उसकी चला दोगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं डॉग के कि वो बच जाएगा। अगर फिर भी नहीं देते ध्यान तो उसका क्या होगा, उल्टी करता रहेगा, खाना खिलाओगे आप उल्टी करेगा, ध्यान इतना दे नहीं गए, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं उल्टी तो नॉर्मल है, पर फिर धीरे धीरे वो खून की पोटी, खून के स्टूल करने लग जाएगा, ब्लड स्टूल, तो फिर वो सीवियर कंडीशन होती है। उस टाइम भी लोग ड्रिप चलाते हैं, कईयों की किस्मत अच्छी होती है वो बच जाते हैं, पर वो छोटी नन्ही जान था, इतना सा था उसमें, जितनी जान थी उसमें वो इतना लड़ा ना, मतलब हद पार, आखिर में तो हम खुद चाहते थे कि भाई उसके, मतलब वो ना वो भगवान के पास चला है, क्योंकि वो इतना तंग हो रहा था। पर मैं आपको फोटो आपने देख ली होगी, आस पास आ रही होगी, अभी नहीं मेरे आज सुबह आगे चलो, आप लोगों के साथ ऐसा कभी ना हो, ना हमारे साथ, तो आने वाले टाइम में किसी के साथ ना हो, लास्ट टाइम देखा नहीं जाता भाई, बच्चों की तरह रखते हैं। चलो फिर बाय बाय कर देते हैं, बस मम्मी इमोशनल ना हो, ध्यान रखो भाई अपने छोटे, ये आपके बच्चे ही होते हैं और कुछ नहीं। और हमने ना थोर का नाम फॉक्सी नहीं रखा, इसलिए हमारे दो फॉक्सी, वो एक बड़े, एक तो एनजीओ भेज दिया था, एनजीओ भेज दिया था, दूसरा फॉक्सी लाए। अब फिर वो जाने के बाद फिर हमने इसका नाम सोच लिया था कि फॉक्सी नहीं रखेंगे अब, क्योंकि मतलब वो फॉक्सी हमारी याद है। बाकी रचित ने बात बताई कि भाई हमें, हमारी गलती है इसमें, ये चलो मानता इस बात का, लेकिन हमारी गलती हम इसलिए नहीं मानते, हमने पहले भी बहुत रखे है छोटे से डॉगी रखे हैं, हमारा ऐसा कभी भी इसके साथ, मतलब हमें इस चीज को फेस करना नहीं पड़ा। छोटे बच्चे भी रखे 30 दिन के, 40 दिन के भी, 60 दिन के, लगातार छोटा सा बच्चा उठा लाए थे डॉगी का, बाद में बताएंगे, बताएंगे वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, आपने सुननी है नहीं सुननी कि मैं और मानु एक छोटे से डॉग उठा लाए थे बचपन से ही, दोनों और इनको, और हमने मम्मी पापा को कहा कि भाई वो हमारे गेट पे कोई छोड़ के चला गया, बेचारा रो रहा है, उसके
चलो फिर उसका नाम बड़ी था। आप कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको वो कहानी सुननी है, तो वो मेरे मम्मी पापा के इससे ही सुनना, क्योंकि इनके साथ हमने वो ऐसा एक्ट बनाया था, फिर हमने वो रखा भी था डॉग, और डॉग हमने बहुत रखे। और ये बात जो पापा ने कही है ना, ये बात भी एक मतलब, अगर वो डॉग अगर अपनी माँ का पूरा दूध पीता, उसमें इम्यूनिटी अच्छी होती, तो वो उससे लड़ पाता। समझ रहे हो आप, बच्चे तो हमने बहुत रखे हैं। अब उसकी अब थोर क्या है, थोर की इम्यूनिटी क्यों अच्छी है, क्योंकि अपने बच्चों मतलब जितने बच्चे थे इसके मदर के, सबसे हैवी सबसे बल के बच्चे, सबसे लास्ट में इसको लाए, सबसे ज्यादा दूध इसने पिया। चलो फिर अब फेंड करते हैं, ओके बाय बाय।